दिल्ली के नरेला लूट में शामिल बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर, कुल 5 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की कार्रवाई, एनकाउंटर में टोनी नाम का एक बदमाश गोली लगने से जख्मी। कैश वैन लूट के बाद बाइक से भागे लुटेरे, दोनों आरोपियों ने पहन रखी थी हेलमेट। 26 अप्रैल को नरेला में हुई कैश वैन लूट का वीडियो सामने आया, गार्ड और मैनेजर की हत्या कर लूटे थे 12 लाख रुपए। बेगूसराय में ज्वेलर को बदमाशों ने मारी गोली, हमले की वजह अब तक साफ नहीं। गाजियाबाद में रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां इस पर काबू पाने में जुटी। रबर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, हालात काबू में। यूपी के एटा में तमंचे की नोक पर बदमाशों ने महिला से छीनी पर्स, एक के बाद एक 2 वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित महिला हिम्मत दिखाकर बदमाशों से भिड़ी, उसे पकड़कर लोगों ने जमकर की पिटाई, बाद में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के डांग में महाराष्ट्र की सीमा के पास यात्रियों से भरी एक बस पलटी, एक बच्चे की मौत, 30 जख्मी। कटिहार में विदाई समारोह के दौरान जोश में होश खो बैठे एसपी सिद्धार्थ मोहन, डीएम के साथ दोस्ती निभाने का गाना गाते हुए की दनादन फायरिंग। फायरिंग के वक्त डीएम मिथिलेश मिश्र भी थे साथ, लेकिन गाना गाने में ही रहे मशरूफ। तबादले के बाद अब सीबीआई से जुड़ेंगे सिद्धार्थ मोहन, कटिहार के डीएम का भी हुआ तबादला। मुंगेर में हरियाणा की लोक गायिका सपना चौधरी के गानों पर झूमते दिखे एसपी, ट्रांसफर के बाद अपनी विदाई समारोह में जमकर लगाए ठुमके। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक शख्स ने मिर्च स्प्रे कर ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की, लेकिन जौहरी की बहादुरी से रहा नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लुटेरा पहले तो ग्राहक बनकर जेवरात देखता रहा, फिर मौका पाते ही जौहरी पर मिर्च स्प्रे करने लगा, साहस दिखाते हुए दुकानदार ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दिल्ली के विकासपुरी में 7 साल के छात्र से दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार। फिरोजपुर में 7 साल की मासूम से 22 साल के युवक ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पत्रकार जेडी हत्याकांड में 7 साल बाद आज फैसले का दिन, मकोका कोर्ट सुनाएगा फैसला। जेडी हत्याकांड में छोटा राजन समेत 11 लोगों पर है केस, पत्रकार जेडी को 11 जून 2011 को मुंबई के पवई इलाके में मारी गई थी गोली। यूपी के रामपुर में एसपी नेता पर्वत सिंह यादव और एक होमगार्ड की गोलियों से छलनी कर दी गई हत्या, आजम खान के करीबी थे पर्वत सिंह। दिल्ली में रेप पीड़िता पर आरोपी और उसके जीजा के धारदार हथियार से हमला करने का आरोप, दोनों फरार, जांच में जुटी पुलिस। इटावा में पुलिस ने 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाकर कराई शादी, थाने के बाहर संपन्न हुआ विवाह। कानपुर में अपनी बहन की शादी में दनादन फायरिंग करता नजर आया दारोगा का बेटा, खुद ये वीडियो फेसबुक पर किया अपलोड। यूपी के बाराबंकी में NH-28 पर बेकाबू बस ने बारातियों को रौंदा, 7 की मौत। फतेहपुर के बकेवर में भी दर्दनाक हादसा, एक ट्रक की टक्कर से घी से भरे ट्रक में लगी आग, जिंदा जल गया क्लीनर। सासाराम में चलती बस की छत पर डांस करना बारातियों को पड़ा महंगा, बिजली की तार की चपेट में आकर 6 बाराती झुलसे। छिंदवाड़ा के चौरई में शादी के दौरान कॉफी मशीन में हुआ धमाका, 6 की मौत। किशनगंज में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। रायसेन पुलिस ने एक महिला का सिर कुचला शव मिलने का सुलझाया मसला, आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध के ताने बाने का हुआ खुलासा। हैदराबाद की महिला को कुवैत में बंधक बनाने का मामला सामने आया, मीट का काम करने वाली महिला से मकान मालिक ने की मारपीट। अजमेर में लूट के इरादे से बदमाशों ने एटीएम को बारूद से उड़ाया, लेकिन एटीएम के परखच्चे उड़ने के साथ ही जल गया 14 लाख कैश।
शब ए बारात की रात दिल्ली पुलिस ने हुड़दंगी बाइकर्स का काटा चालान, यातायात नियम तोड़ने वालों को रोका। किशनगंज में पलटी तेज रफ्तार ट्रक चपेट में आने से सड़क के किनारे खड़े दो लोगों की हुई मौत, लोगों ने हाईवे पर किया हंगामा। फेसबुक पर विवादित टिप्पणी के बाद कच्छ में भड़के दलित, सड़क पर किया हंगामा, कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। कोलकाता मेट्रो में गले लगने पर युवा जोड़े को लोगों ने पीटा, विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। उधम सिंह नगर में बैंक की एक शाखा से चोरों की 15 लाख की चोरी, लेकिन लोगों की मुस्तैदी से बैग छोड़कर हुए फरार, बाद में पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार। जोधपुर में मोबाइल पर बात करते हुए की ड्राइविंग तो अब रद्द होगा लाइसेंस, ट्रैफिक एसीपी का फरमान। आपके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के किसानों से हुए रूबरू, कहा सिद्धरमैया सरकार किसानों के प्रति उदासीन रही है। नहीं, उसको परवाह ही नहीं थी कि किसानों को फसल बीमा योजना से कितना संकट मिलता, कितना फायदा होता है। पीएम मोदी ने किसानों के संबंध में को अपने संबोधन में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 25 से 30 साल से अटका पड़ा काम 25 से 30 महीने में पूरा कर दिया। पीएम के नामदार वर्सेस कामदार वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, रणदीप सुरजेवाला ने आंकड़े ट्वीट कर साधा निशाना। राहुल गांधी के 15 मिनट वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, कहा कुछ लोग 15 मिनट क्या 15 साल भी बोले तो भी किसी को समझ में नहीं आएगा। गुरुवार से यूपी के सीएम योगी का कर्नाटक दौरा, 6 दिन में करेंगे 20 से ज्यादा जनसभाएं। कर्नाटक दौरे पर चिकमंगलूर के मठ में रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गौड़ा लिंगायत और नाथ संप्रदाय के साधु संतों के अलग अलग लोगों से करेंगे मुलाकात। यूपी में दलित गांव में रात्रि प्रवास की योजना की खुली पोल, होटल से मंगाया गया पालक पनीर, मखनी दाल, कॉफी, रसगुल्ला और मिनरल वाटर। राज्य मंत्री सुरेश राणा के लिए अलीगढ़ के लोहा गाड़ी गांव के सामुदायिक केंद्र में होटल जैसे इंतजाम, लगाए गए गद्दे और कूलर। मंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे अधिकारी, लोग उनसे मिलने के लिए करते रहे इंतजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की तैयारी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक, मीटिंग में केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। बैठक राष्ट्रपति भवन में शाम 5 बजे होगी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता, गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संचालन। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ के मामले पर आज होगा विचार, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करेगा मंथन। जस्टिस जोसेफ मामले में कॉलेजियम के कुछ सदस्य केंद्र की कार्यप्रणाली को लेकर उठा चुके हैं सवाल। अकाली दल का आरोप, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की नई किताब से हटाया गया सिखों का इतिहास। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए आतंकी के अंतिम संस्कार में दिखाई दी आतंकवादियों की टोली, दहशतगर्दों ने लहराए AK-47। रविवार को सुरक्षा बलों ने हिजबुल के कमांडर समीर टाइगर को किया था ढेर, जम्मू कश्मीर में चला रखा था आतंक के रंग रूटों की भर्ती का काम। बारामूला में आतंकी हमले में 3 युवकों की मौत में बड़ा खुलासा, पुलिस को लश्कर की साजिश का शक। हिमाचल के कसौली में असिस्टेंट टाउन प्लानर की हत्या, अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान वारदात, गेस्ट हाउस के मालिक पर आरोप। इंदौर में पुलिस अधिकारी मेस में संदिग्ध युवती ने गुजारे 10 महीने, एडीजी की बहन बताकर अधिकारियों के बीच रह रही थी महिला। इंदौर में आयुर्वेद की छात्रा ने एमजीएम कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया रेप का आरोप, कहा शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत। हरियाणा के झज्जर में 11वीं की छात्रा से बलात्कार, 3 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के धर्मशाला में महिला के साथ बलात्कार, गुजरात से आई टूरिस्ट बस के ड्राइवर पर आरोप। दिल्ली सटे नोएडा में थाने में महिला की मौत पर हंगामा, लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इटावा में समारोह में नेक के लेन देन को लेकर वर वधु पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल।
गुजरात के गिर में शेरों के शिकार खाते वक्त लोगों ने किया परेशान, डराकर भगाने की कोशिश। कुछ लोग शेरों के सामने जाकर मचा रहे थे शोर, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। जंगल में शेरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दक्षिण अफ्रीका के एक निजी चिड़ियाघर में शेर के मालिक पर किया हमला, शेर ने भागते मालिक को दूर तक उठाकर ले गया शेर। हमले बुरी तरह जख्मी हो गए बुजुर्ग, अस्पताल में चल रहा इलाज। हैदराबाद में सिनेमाघर के अंदर नाबालिग पानी लेने गई लड़की के साथ वॉचमैन ने की दरिंदगी। केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बसों में किया कंडक्टर का काम, मजदूर दिवस के दिन पेश की मिसाल। आंध्र प्रदेश के नल्लोर में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के घर एसीबी का छावा, 2 किलो गोल्ड के साथ कैश और जमीन के कागजात जब्त। आंध्र प्रदेश सरकार का नया फरमान, अमरावती में आधार कार्ड के बिना सचिवालय में नहीं मिलेगी एंट्री। केरल के त्रिवेंद्रम में शांति गृह आश्रम पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, योग और आयुर्वेदिक रिसर्च के कामों के लिए की आश्रम की तारीफ। उत्तर और मध्य आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही, 13 लोगों की मौत, 5 के लापता होने की खबर। त्रिपुरा में तूफान का बरपा कहर, सीएम बिप्लब देव ने चांदमारी गांव में जाकर लिया नुकसान का जायजा, पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। जोधपुर चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान जानवरों को खुले में नहलाने का किया गया इंतजाम ताकि दर्शक इन्हें देख सके, गर्मी होने पर अक्सर ये जानवर कूलर के पास छिप जाते हैं। बढ़ती गर्मी के साथ शिमला में गहराया जल संकट, ग्रामीण अंचल में 1000 रुपए में बिक रहा 2000 लीटर पानी, दूर जाकर लाने की मुसीबत। दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का संकट, गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग, विधायक पर समस्या को अनसुना करने का आरोप। आईपीएल में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 14 रन से दी शिकस्त, 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस, 153 रन ही बना सके। मुंबई की ओर से हार्दिक पांड्या ने बनाया सबसे अधिक 50 रन, 5 चौका और 1 छक्का जड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाज मनन वोरा ने बनाए तेज तर्रार 45 रन, अपनी पारी में 4 छक्के 2 चौके जड़े। कप्तान विराट कोहली ने 32 रन का दिया योगदान, मैकलम ने बनाए 37 रन। आरसीबी की ओर से टिम साउदी ने 4 ओवर में 25 रन देकर पांड्या समेत 2 विकेट झटके, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल की अंक तालिका में 5वें नंबर पर आरसीबी, मुंबई इंडियंस 7वें पायदान पर। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स पहले और सनराइजर्स हैदराबाद 2रे पायदान पर। दिल्ली रेड डेविल्स के इस बार भी बुरे दिन, अंक तालिका में अंतिम पायदान पर। आईपीएल में आज दिल्ली रेड डेविल्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, रात 8 बजे दिल्ली में खेला जाएगा मैच। बिहार की टीम का रणजी में खेलने का रास्ता साफ, बीसीसीआई ने ड्राफ्ट संविधान सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, इस साल सभी टूर्नामेंट में खेलेगी बिहार की टीम। उन्नाव गैंग रेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने पेश की प्रगति रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, किम जोंग से मुलाकात की जगह और तारीख का जल्द होगा ऐलान। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पुलिस स्टेशन पर एक शख्स ने किया हमला, एक महिला पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग हुए घायल। अफ्रीका के बांगुई में अज्ञात हमलावर ने चर्च में की फायरिंग, 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल, हमले के बाद सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। अमेरिका के अरिजोना में करीब 300 किलोमीटर तक फैली जंगल की आग, राहत कार्य में जुटे हैं 500 फायर फाइटर्स। अभिनेत्री सोनम कपूर 8 मई को मुंबई में रचाएंगी ब्याह, बॉयफ्रेंड आनंद ऊर्जा के संग लेंगी 7 फेरे, रोशनी से जगमगाया घर। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने शादी की खबरों को किया खारिज का, हाथ में पहरे है ईविल आई को लोगों ने समझा मंगलसूत्र। 30 साल की हुई अनुष्का, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीतकर विराट ने पत्नी को दिया बर्थडे का तोहफा, ट्वीट पर तस्वीर की शेयर। अनुष्का ने अपने जन्मदिन के मौके पर एनिमल शेल्टर बनाने का किया ऐलान। मजदूर दिवस और महाराज दिवस के मौके पर आमिर खान ने मराठवाड़ा में किया श्रमदान, अभिनेत्री आलिया भट्ट ने दिया साथ।
खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।